मुर्दा जब जलाया जाता है हिंदुओं का मरने के बाद, उससे वायु प्रदूषण होता है कि नहीं? लकड़ी भी जलती है और चिता भी जलता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जाता है इसमें, उससे नुकसान नहीं है? उसके लिए हम लोग ऐतराज के लिए, हम लोग कोई ऐतराज नहीं, इसलिए उसका धर्म है। आपका कहना है कि पर्यावरण को भी नुकसान? हाँ, इस तरह से सोचिएगा तो सबको ऐतराज करना होगा। कहने का मतलब कि धर्म है अपना, उनका रीति रिवाज है, उस पर कोई ऐतराज नहीं, आज तक किसी मुसलमान ने उसके विरुद्ध नहीं बोला। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यह है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ले करके चलना चाहिए। अच्छा, ये सब है इलेक्शन का खेल, यहाँ NCD है और बाकी जो राज्य में हो रहा है सब जगह चुनाव होने वाला, आपको मालूम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, जहाँ जहाँ हो रहा है ये सब जगह चुनाव होने वाला है, तो ये है चुनाव का स्टैंड, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि जैसे मतलब हिंदुओं में अंतिम संस्कार होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन क्रियाक्रम तो दोनों पक्षों में ही होता है, जैसे इसमें यहाँ जमीन में गाड़ा जाता है, समझ ना, कब्र उसके लिए तो जमीनें भी तो अलॉट करनी पड़ती है। जमीन एक जगह अलॉट हो गया, उसमें 70-70 मुर्दा रहता है एक ही जगह पर, जी ऐसा नहीं है कि नहीं, 70 मुर्दा उठेगा एक कब्र से, समझ ना, तो इसलिए वो इसकी बात नहीं। और जब चीता जलता है उसमें कितनी लकड़ी जलती है, कितना उसका इल होता है, कितना पर्यावरण, लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने उस पर ऐतराज नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सबका अपना अपना धर्म है, अपना रीति रिवाज है, तो इस तरह से मतलब कि नहीं करना चाहिए। तो आपका कहना है कि धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचा। ये सब है इलेक्शन का स्टैंड, 2024 का तैयारी है, स्टेट का जो इलेक्शन है सबका तैयारी है, लेकिन आप अगर कोई चीज़ हासिल करने के लिए, जैसे मान लिया आप नौकरी पाने के लिए चोरी करते हैं, तो अच्छी बात नहीं ना है, है ना, जो तरीका है स्वस्थ तरीका है उस तरह से आप आइए, गलत तरीके से नहीं आइए। ये जो इलेक्शन हाई स्टैंड इलेक्शन का 2024 का भी तैयारी है, और इस स्टेट का हिंदू मुस्लिम बटेगा, 80% हिंदू एक तरफ चला जाएगा, 20% मुसलमान रह जाएगा, उसी खेल में अपना वो जीतेगा, यही हो रहा है हर जगह, यही हो रहा है। इसी तरह से अमित शाह को एक फार्मूला मिल गया वहाँ गुजरात से, और उसी फार्मूला को पूरा इंडिया में दोहरा रहे हैं, लेकिन अब फार्मूला उनका फास्ट हो चुका है, जनता समझ चुकी है, हिंदू जनता भी समझ चुकी है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, बेरोजगारी इस कदर है, महंगाई इतनी है, समझ ना, आदमी का कमर टूट रहा है, कोरोना ने हालत ख़राब कर दिया सबका, नोटबंदी ने हालत ख़राब कर दिया, तो अब लोग समझ रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, समझ ना, बहुत सारे हिंदू लोग इसके खिलाफ में आ रहे हैं, BJP के स्टैंड में, गुंडागर्दी के खिलाफ। तो आपका कहना है कि जो महंगाई के या बेरोजगारी के मुद्दे हैं उसे दबाया जा रहा है, और ये जो अजान या फिर हिंदी मुस्लिम, इसलिए कि उस मुद्दे पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, क्लियर भाई, उनको काम तो करना नहीं है, गुंडाई करना है, रिश्वत लेना है, MCD में जाके देखिए कितना रिश्वत लेते हैं, समझ ना, और बस रिश्वत लेना है, गुंडाई करना है, बस यही काम है उनका, तो वो टिक नहीं पाएंगे, मतलब नौकरी दे नहीं पाएंगे, महंगाई कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो बस ये सबसे आसान फार्मूला यही है, हिंदू मुस्लिम करा दो, तनाव बढ़ा दो, उसी में इलेक्शन जीत जाओ, है इलेक्शन का स्टाइल, लेकिन ये गलत तरीका ही है। आपको जैसे हम बताया कि आपको नौकरी पाना है तो चोरी करके नौकरी नहीं पाइए, तरीका से कहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें चोरी करके पास नहीं कीजिए, सही तरीके से होइए, तो सही तरीके से इलेक्शन लड़िए, मान लो यही होगा कि आप हारिएगा, मान लो BJP एक बार हार जाएगी फिर आएगी, समझ, लेकिन स्वस्थ तरीके से काम होना चाहिए।